नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ। एक विज्ञापन जारी हुआ है, ये कौन से पद हैं, इसका एग्ज़ाम डेट क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, योग्यता क्या होगी, सभी जानकारी इस वीडियो पर आपको मिल जाएगी। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सही टाइम पर आपको लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। देखिए, यहाँ पर आप सभी को बताने वाला हूँ कि एडीओ की भर्ती है ना, एडीओ की भर्ती बहुत जल्द आने वाला है या देखने को मिल सकता है। तो इसकी तैयारी करने के लिए इस चैनल पर यानी कि इसी चैनल पर आपको तैयारी कराया जाएगा। इस चैनल पर 25 अप्रैल से एडीओ की तैयारी करने के लिए सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी बिल्कुल कराया जाएगा। देखिए, अब इसके बाद बात करने वाले हैं कि जो परिवहन अधिकारी निरीक्षक भर्ती से एक महत्वपूर्ण अपडेट यानी कि एक विज्ञापन जारी किया गया है, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। तो देख सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगी, इसकी योग्यता क्या होगी, सिलेबस क्या होगी, पूरी जानकारी इस वीडियो पर। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक विज्ञापन यानी कि प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। आप डेट देख सकते हैं, प्रकाशन की तिथि 13/4/2022 को। देखिए, यहाँ पर सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं परिवहन उप निरीक्षक यानी कि तकनीकी परिवहन विभाग के पद पर सीधी भर्ती के लिए एक आवेदन यानी कि विज्ञापन जारी किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 15/4/2022 को, आपने ठीक सुना है, 15/4/2022 यानी कि 15 अप्रैल 2022 को। और इसकी देखिए, यहाँ पर लास्ट तिथि यानी कि अंतिम तिथि है 14/5/2022 को, यानी कि 14 मई, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है, तो 14 मई 2022 को अंतिम तिथि दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर इसके सिलेबस क्या होगी, शिक्षक क्या होगी, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो पर बताया जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर योग्यता सिलेबस पूरी जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पद और विभाग का नाम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के लिए यहाँ पर टोटल यानी कि योग यानी कि टोटल 2 पोस्ट दिया गया है। इसके बाद बात करें कि दूसरा, परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी के लिए यहाँ पर टोटल 15 दिया गया है। इसके बाद बात करेंगे बैंक लॉक से 3, यानी कि टोटल यहाँ पर सभी को जोड़कर कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 20 पदों के लिए यहाँ पर एक विज्ञापन जारी किया गया है। इसके बाद बात करेंगे कि वेतनमान की, तो वेतन मैट्रिक लेवल 9 है यानी कि 38,100 रुपये से 120,400 रुपये तक, यानी कि 1,00,000 से ऊपर है ना इसका वेतन। इसके बाद वेतन मैट्रिक लेवल 7 की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 28,700 रुपये से 91,300 रुपये है। अब इसके बाद बात करेंगे कि देखिए, यहाँ पर पदों की संख्या में क्या परिवर्तन होगा, ये सभी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर शारीरिक अर्हताएँ देख लेते हैं। तो अभ्यर्थी की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ताकि अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं तो ऊंचाई 158 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और सीने की फुलाए फुलाने की माप जो भी बोला गया 81.50 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और यहाँ से 86.50 सेंटीमीटर फुलाकर, है ना। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थागत इंजीनियरिंग या मैकेनिक इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना आवश्यक है। इसके बाद बात करेंगे परीक्षा की योजना के बारे में। तो चयन 2 चरणों में होगी, आप सभी को पता है। परीक्षा एवं द्वितीय चरणों का साक्षात्कार होगा। परीक्षा 300 अंकों का होगा, साक्षात्कार 30 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 330 अंकों का। उसके बाद परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 3 घंटे का समय होगा और अंक 300 का होगा। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान होगा आपको 50 प्रश्न, 100 अंकों को पूछा जाएगा। मेडिकल यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का होगा 100 प्रश्न का, यहाँ पर 200 अंकों का होगा, यानी कि टोटल 150 प्रश्न होंगे, 300 अंकों का। आप सिलेबस देख सकते हैं। अगर सिलेबस अगर अच्छे से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, आपको PDF का लिंक आपको सेंड कर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।